अफगानिस्तान से एक खबर शामिल करते हैं। तालिबान ने खवातीन मुलाजमीन को हुक्म दिया है कि वो अपनी जगह मतबादल के तौर पर किसी रिश्तेदार मर्द को मुलाजमत पर भेजें ताकि उन्हें तनख्वाह मिलती रहे और अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का सामना न हो। बरतानवी नशरियाती इदारे दी गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि तालिबान हुकूमत ने खवातीन मुलाजमीन को अपनी जगह किसी मर्द रिश्तेदार को मुलाजमत पर भेजने का कहा है। गार्जियन से बात करते हुए कई खवातीन ने बताया कि तालिबान अहकाम ने हमें कॉल करके कहा है कि अपनी जगह किसी मर्द रिश्तेदार को मुलाजमत पर भेजे। चंद एक खवातीन को ये भी कहा गया है कि अगर मर्द रिश्तेदार मतबादल बनाकर ना भेजा तो ऐसी खवातीन की मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तालिबान हुकूमत की जानिब से खवातीन मुलाजमीन के लिए ये हुक्म हुकूमत संभालने के एक साल बाद आया और इस दौरान खवातीन को मुलाजमतों पर जाने की इजाजत नहीं थी। तालिबान रहनुमाओं का कहना था कि खवातीन से मुतल्लिक माहौल साजगार होने पर उन्हें मुलाजमतों पर वापस बुला लिया जाएगा। तालिबान पर खवातीन को मुलाजमतों पर आने की इजाजत न देने, लड़कियों के स्कूल की बंदिश और कबीना में तमाम तबकात की शमूलियत न होने पर शदीद आलमी दबाव है। ताहम तालिबान ने मौकफ इख्तियार किया है कि वो अपने फैसले इस्लामी कानून और अफगान कल्चर के मुताबिक करेंगे।